तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे आप पहले की तरह। तो गाइस, क्या हाल है और कैसे हो आप? ठीक है, कल का व्लॉग कैसा लगा आपको? बताया नहीं आपने, क्योंकि कमेंट कम आए ना उस पर और लाइक भी कम आए। और गाइस, आपको दिखाता हूँ आज मैं क्या करूँगा। सुबह वो हाथ धो चुका हूँ, मैं सारे काम कर चुका हूँ अपने, ठीक है। और भाई, सुबह 3:30 बजे सोया था मैं, अब जगह था और सारे काम कर चुका हूँ मैं। और अब जो है, आज मांडेंगे हम आटा, ठीक है ना? तो भैया पापा ने बना दी सब्जी, ठीक। किस चीज़ की बनाई? आलू टमाटर की सब्जी बनाई भाई पापा ने आज। और आज हम आपको आटा मांड के दिखाएंगे भाई। आटा मांडना चाहिए, सारे काम करने चाहिए भाई, ठीक है ना? जब कोई है ही नहीं करने वाला तो करना तो पड़ेगा, ठीक। तो हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसका काम है वो तो नहीं ना। तो देखना कैसा लगता है, बताना थोड़ा बहुत। हंसी आती है तुम्हें या क्या करते हो? देखते हैं, मजाक मत उड़ाना, ठीक है भाई। पहले रखेंगे इसे, जिससे कि अपनी कमर में दर्द ना हो जावे। पीछे बोल के बैठो, अब देख पा रहा है? हाँ। नमक डाल दिया तो भाई, जब इसमें डालेगा नमक, मैं भी काम बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना घर के अंदर। कोई तुम्हें कहता है कि घर में ये काम कर लो, वो काम कर लो, उस काम को टाल देते हो और बाहर निकल जाते हो। थोड़ा बहुत कभी कभार घर में भी कर लिया करो, जिससे ये तुम्हें ये पता चले कि हाँ भाई, घर में काम करना भी कितना मुश्किल काम होता है। तो चलो मांडते हैं अपना आटा आज हम, ठीक है? बस हंसना मत ना। अब जो है रोटी बनाएंगे पापा, सब्जी बना दी पापा ने। और सबसे खास बात देखी तुमने, आटा सिर्फ एक ही हाथ से मांडा है। कर्मचारी अपने काम पर आ चुके हैं, शिफ्ट बदल चुकी है ड्यूटी की, अब ये अपना काम करने जा रहे हैं। उठाया तया और बनेगी रोटियां। अब भाई देखना कैसा लगेगा आपको, बताना। रहम आएगा क्या, मतलब जो भी आया ना लिख के जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये मंजर देख के। इसलिए दिखा रहे हैं, इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी और घर का काम भी करना चाहिए सबको मिलजुल के। अच्छा, यानी कि माँ बाप ही करते रहें, बच्चों का भी कुछ बनता है काम करने का। तो गाइस, शाम के जो है 5:30 बज रहे हैं, ठीक है ना? सुबह काम कर करा के अपना खा पी के और भाई कुछ काम से चले गए थे, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा शाम को बना दूँ और वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं पापा, और भाई सुनते हैं पापा से क्या कहते हैं, और सुबह के काम के बारे में आपको कैसा लगा जो भी आपने देखा, ठीक है ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार। अच्छा, मैं एक आपको एक ख़ास बात बताता हूँ ज़िंदगी के बारे में। देखो, परमात्मा परीक्षा सबकी लेता है। अच्छा जी, कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं और कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। जैसे सुनार सोने को जितना तापता है उतना निखार आता है सोने में, ऐसे ही इंसान को जब परीक्षा लेते हैं तो वो संघर्ष करता है
ज़िंदगी के साथ और वो बेहतरीन निखरता है। घबराना कभी नहीं चाहिए दोस्तों, और सब अपना कार्य करते रहो, और मेरी आप दुआ है आप सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। सबको मेहनत करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल तो देने वाले परमात्मा ही है। अच्छा जी, मेहनत हमारा फर्ज है, मेहनत करना, देना है ना देना उसके हाथ में, कब ले ले कब दे दे कोई पता नहीं, वो बड़ा जादूगर है। जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, ज़िंदगी से लड़ता है, तो उसका फल अवश्य मिलता है। देर भले ही अंधेर नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, आप सब खुश रहो, बुरी संगत से बचे रहो, मेरा तो यही कहना है। अच्छी जगह बैठो, अच्छे विचार सुनो, अच्छा जी, और माँ बाप की सेवा करनी ना भूलो। हेलो गाइस, तो पापा के कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी उसी इंसान का इम्तिहान लेती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। ठीक है ना, कोई तो संघर्ष करके निखर जाता है और कोई हताश होके बिखर जाता है। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आपके हाथ में है, संघर्ष करना है या हताश करना है। देखो, संघर्ष करोगे तो उसका फल मिलना ही मिलना है, चाहे आपको अभी मिले, चाहे एक महीने बाद मिले, चाहे दो महीने बाद मिले। ठीक है ना, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, वो कहीं नहीं जाता है, और जो मेहनत नहीं करता है उसे कभी फल मिलता ही नहीं है, और ये हकीकत की बात है। और गलती से भी मिल जाता है ना तो वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है। तो गाइस, आपको मेहनत है ना अपनी ईमानदारी से ही करनी पड़ेगी, घर में किसी भी काम में। एक तो आप कभी भी ये ना समझें कि हमारी बुराई हो रही है या हमारे को शर्म आ रही है, घर के काम में कभी भी शर्म ना करें। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो, एक तो आप अपने माँ बाप के नज़रों में हमेशा 24 घंटे उठे रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि आप घर में सारे काम करें। आपको है ना कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके घर वाले आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इसलिए कभी भी घर के काम की तो मना करना ही मत गाइस। और आपको कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग बताना ना भूलें। ठीक है, और भाई ऐसे ही कट रहा है अपना तो टाइम, भाई काम धंधा आ नहीं रहा है अभी और परेशान है, पर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ आपका साथ है। अब क्या करें, अकेले पड़े हुए हैं तो आपसे बात कर लेते हैं। और बाकी तो हमारे वीडियो आप देख ही रहे हो, व्लॉग में पता ही चल ही रहा है, 30 डे 30 व्लॉग चैलेंज चल रहा है, और ये डे 7 व्लॉग है, आज 7 डे का व्लॉग है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना, आपको वहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट होगी, और तो आपके भाई को भी सपोर्ट मिलेगी आपकी। और भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है और व्यू तो आते ही नहीं है ये मान लो, पर लेकिन आप मेहनत भी देख सकते हैं मेरी। और कोई गलती हो तो आपके छोटे भाई से तो मुझे बताना ना भूले। तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहो, ठीक है, मस्त रहो, चंगे रहो। चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।